नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। तरनतारन के कस्बा फतेहाबाद की सब्जी मंडी में किसान पर अज्ञात लोगों ने चलाई गोलियां, आरोपी सीसीटीवी में हुआ कैद। अमृतसर के अधीन आते इलाके भूतनपुरा में कुछ अज्ञात नौजवानों ने किए हवाई फायर, इलाके में दहशत का माहौल। अमृतसर के थाना सदर के अधीन आती विजयनगर चौकी की पुलिस ने दो नौजवानों को किया काबू, 20 चाइना डोर के गट्टू और मोटरसाइकिल किया बरामद। अरब हलचल विस्तार से। तरन तारण के कस्बा फतेहाबाद में सब्जी मंडी में मटर बेचने आए किसान पर अज्ञात लोगों द्वारा जानलेवा हमला करते हुए गोलियां चलाने का मामला सामने आया है। इस घटना में किसान बाल बाल बच गया। हमलावरों द्वारा फतेहाबाद के किसान रंजीत सिंह भट्टा को अपना निशाना बनाया गया, तो वहीं गोली चलने के कारण मंडी में आए लोगों में दहशत फैल गई। इस दौरान मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरों में हमलावरों की तस्वीर कैद हो गई, जो कि मोटरसाइकिल पर फरार होता दिखाई दे रहा है। इस दौरान किसान रंजीत सिंह भट्टा ने बताया कि हमलावरों की ओर से उस पर जानलेवा हमला करते हुए दो गोलियां चलाई गई, जिसके बाद वह फरार हो गया। तो वहीं किसानों और आढ़तियों ने दिन प्रतिदिन राज्य में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इन पर रोक लगाने की मांग की। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना गोइंदवाल साहिब पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। इस अवसर पर थाना प्रभारी परमजीत सिंह विरदी ने बताया कि घटना में दो गोलियां चली हैं, फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। इतने जी मटर की सब्जी मंडी लगी सी, इतों सानू पता लगा भी इतने कोई दो मोटरसाइकिल से सवार आए जिन्हें मूँह बदे से उन्हें आगे कोई फायर किया वा, तो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मौके पर पहुंचे हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करके जो बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर पता लगा कितने फेर हुए जी? दो फेर पता लगा जी, भी दो फेर हुए ने, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोई खोल भी बरामद होया सर? हाँ, एक जिहड़ा वा सिक्का बरामद होया जी। कोई आया सामने सर? अजे नहीं, अजे कोई सामने नहीं आया, तफ्तीश कर रहे हैं जी। ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਗਮ ਮੋਟੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਆਏ। ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਵਾਸਪੁਰ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 35-40 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ 10-12 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਆ। ਜਿਹੜੇ NRI ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹੋਰ, ਅਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਵਧੀਆ ਵਾ ਪਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। अमृतसर के थाना गेट हकीमा के अधीन आते इलाके भूतनपुरा में उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों ने इलाके में गोलियां चलने की आवाज़ सुनी। इस मौके पर पीड़ित अशोक कुमार और उसकी पत्नी ने बताया कि वे अपने घर की छत पर खड़े थे कि इस दौरान कुछ अज्ञात नौजवान गाड़ी में आए और उनके घर की तरफ इशारा करने लगे। जब उन्होंने ऊपर से बोला तो नौजवानों ने गाड़ी कुछ आगे ले जाकर हवा में गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि उनका लड़का जो कि जेल में बंद था, वह जमानत पर बाहर आया हुआ है। उसका जेल में किसी के साथ झगड़ा हो गया था, जिसके चलते कुछ नौजवानों ने उनके घर के बाहर आकर गोलियां चलाई हैं। उन्होंने अपने बेटे को बेदखल किया हुआ है, वह उनके घर में नहीं रहता पर उन्हें अपनी जान का खतरा बना हुआ है। फिलहाल इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँच गए और मामले की जाँच में जुट गए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। घटना है कि मैं कोठे से कुड़ी ना खड़ोता ही, उन्होंने कार खिलारी पिस्तौल क्ढन नहीं, मैं गाला क्ढ, मैं इटा चलाइया, वो अगे भज गए, फिर उत्ते जाके उन्होंने फायर किए।
ਮੇਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਨਾ ਬਾਪੀ ਆਈ ਲਾਗੇ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਗੁੜੀਆ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਠੇ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਕਾਰ ਕਾਰ ਖਲੋਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫੈਰ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਕੂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿਜੈ ਨਗਰ ਕੀ ਆਰ ਸੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੋ 20 चाइना डोर के गट्टू और मोटरसाइकिल सहित काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि वे नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो लड़के आते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने अपने बीच एक सफ़ेद रंग का प्लास्टिक का बोरा रखा हुआ था। जब उनकी तलाशी ली गई तो उसमें से 20 गट्टू चाइना डोर के बरामद हुए। उन्होंने पकड़े गए आरोपियों की पहचान आकाशदीप सिंह निवासी पत्ती मलकी अमृतसर और जशनदीप सिंह निवासी गली लाहौरिया वाली जिला अमृतसर के तौर पर की है। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ये जी बीती रात मान जो कमिश्नर साहब दी हदायतों के मुताबिक एक नाकाबंदी अड्डा मुस्ताबाद लगाया गया सी। एस एच ओ सदर सरदार अमनदीप सिंह और ए सी पी साहब सरदार रविंदर सिंह खोसा जी की अगवाई हेठ और व्हीकलों की चैकिंग की जा रही थी और विजयनगर साइड वालों बाइक से सवार दो मोटरसाइकिल अपने ते दो लड़के आने दिखाई दते जिन्हां ने एक प्लास्टर का वाइट रंग का तोड़ा जिहड़ा सी अपने विचकार रखा हुआ सी जिन्हां नूं रोक के चैक किया गया और उहदे विचों ए गट्टू बरामद होए जिहड़े चाइना डोर सिंथेटिक डोर हैगी आ जिन्हां दे खिलाफ जे धारा 336-188 आई पी सी के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है और पता किया जा रहा है कि ये कित्थों लै गए ने अगे किन्हां नूं सप्लाई करना सी। उन्होंने चेतावनी यह दी जा रही है कि जो हाल इन्हों का होचा दर्ज करके सलाखा पिछले किया गया उन्होंने भी यही हाल होगा गुरदासपुर नगर काउंसिल ने सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में दुकानदारों द्वारा जो अपनी दुकानों के बाहर नाजायज ढंग से सामान लगाकर नाजायज कब्जे किए हुए हैं उन्हें हटाया गया और कई दुकानदारों का सामान भी जब्त किया। वहीं नगर काउंसिल के अधिकारियों ने कहा कि कई बार दुकानदारों को नोटिस भेजने के बावजूद दुकानदारों ने कब्जे नहीं छोड़े जिसके चलते सुबह सुबह ये कार्रवाई की गई। वे इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर काउंसिल के सुप्रिटेंडेंट अशोक कुमार ने बताया कि शहर के बाजारों में कई ऐसे दुकानदार जिन्होंने दुकानों के बाहर नाजायज ढंग से कब्जे किए हुए हैं जिसके चलते शहर में खरीदारी करने आते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और बाजारों में कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहता है, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि कई दुकानदारों को नाजायज कब्जे हटाने के लिए नोटिस भी भेजे गए थे लेकिन दुकानदारों ने कब्जे नहीं छोड़े। उन्होंने कहा कि कई ऐसे पढ़े लिखे दुकानदार हैं जो जानबूझकर कब्जे नहीं हटाना चाहते जिस कारण उन्होंने सुबह सुबह निकलकर दुकानों के बाहर लगाया नाजायज सामान जब्त किया है और अब ये सामान दुकानदारों को वापस नहीं किया जाएगा। अगर फिर भी किसी ने दोबारा सामान लगाया तो उनके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी और उनका चालान भी काटा जाएगा। देखो भाजी जिला प्रशासन के मुताबिक अभी शहर नू इनक्रोचमेंट रहित करने लई पिछले 15 दिन तो मुहिम शुरू की हुई है जिस विच वख-वख रोड वख-वख एरिए जिहड़े असीं जिहड़े आ उहदा शेड्यूल बनाया होया उहदे मुताबिक असीं जिहड़ी कार्रवाई कर रहे अज्ज किन्ने क जिहड़े नजायज़ कब्जे हटाए जाए अज्ज असीं तकरीबन 25 तों 30 कराए कीते आ और मैं दुकानदारों नूं इहो अपील करना भी पूरा सहयोग दिया करो पढ़े लिखे वर्ग देखो की हाल करन की लगता है कि सिर्फ सवेर सवार ना ये हटाए जा सकते हैं जां इन्हां नूं नोटिस जारी करके जां नहीं भाजी इन्हां नूं मनादी भी कराई है नोटिस दे दित्ते हुण तुसीं बेहतर जानते हो देखो फिश पार्क दे फिश मार्केट दे विच लोकां नूं पता लग ही गया क्योंकि जदों असीं भी लगातार तुरे रहांगे ना जी जे असीं बंद हो जाएंगे फिर काम जिहड़ा लटक हो जाऊगा ते जे असीं भी तुरे रहिए भी सानूं सहयोग दिंदे आपणे आप लोकां लई बहुत वधिया दुकानदार इतराज़ करदे नहीं फिर देखो 2-3% लोग होंदे जिहड़े इतराज़ करदे आ ज़्यादातर लोग बहुत खुश होंदे आ। जालंधर के ताजपुर चर्च में क्रिसमस का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे तो वहीं बॉलीवुड के कई कलाकारों ने यहां पहुंचकर लोगों के साथ क्रिसमस का त्यौहार मनाया जिनमें प्रेम चोपड़ा
गुलशन ग्रोवर, महिमा चौधरी, कृष्णा अभिषेक, राजपाल यादव, राखी सावंत, उपासना सिंह सहित कई कलाकार मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग बहुत ही दिलदार होते हैं, उनसे मिलकर उन्हें काफ़ी खुशी महसूस हुई है। इस मौके पर सभी कलाकार बहुत ही खुश नजर आए। जालंधर से पंकज शर्मा। जालंधर के नॉर्थ क्षेत्र में समाज सेवक जोगिंदर पाल शर्मा की ओर से निशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष्मान आभा कार्ड लोगों के निशुल्क बनाए गए, जिसके चलते मोहल्ला वासियों ने समाज सेवक जोगिंदर पाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर महिला विंग की प्रधान मीनाक्षी छाबड़ा, सोनू छाबड़ा, जितेंद्र सिंह सहित अन्य इलाकावासी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैं जोगिंदर पाल शर्मा, आम आदमी पार्टी और समाज सेवक जालंधर नॉर्थ तो असी अज इतने एक विशाल कैंप लवाया, जिसे असी आयुष्मान कार्ड आभा कार्ड लोगों के बनाए और माण के सत्कार के नाल लोगों नूं बिठा के बगैर कॉस्ट कोई किसी को पैसा नहीं लिया, सब दे कार्ड बना के ते लोगों नूं हैंडओवर किए। और साडा काम आ लोगों की सेवा करनी, आम आदमी पार्टी का असी वो सेवा निभा रहे हैं। तो किसी भी नूं लोड़ पवे, किसी भी साडे वर्कर नूं, वोटर नूं, सपोर्टर नूं जोगिंदर पाल शर्मा की लोड़ पवे, जदों मर्जी अद्धी रात असी हाजिर हाँ। सो मैं ये बेनती करदा वा कि अज असी जिहड़े आयुष्मान आभा कार्ड बगैर कॉस्ट बना के लोगों के हैंडओवर किए, जनता दे विच बड़ी खुशी की लहर है कि आम आदमी पार्टी जन हित दे काम कर रही है। सो असी इसे तरह ही लोगों की सेवा विच सदा हाजिर रहांगे। पंजाबी गायक गुरमान मान के नए गीत कानवो में शनिदेव महाराज के लिए की गई टिप्पणी को लेकर जालंधर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर संदीप शर्मा को शिकायत दी गई है, तो वहीं शनि कृपाल मंदिर सहित बाकी शनिदेव मंदिर कमेटियों द्वारा गायक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। और शिकायत में लिखा है कि श्री शनिदेव को लेकर गायक ने गलत शब्द बोले हैं, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाबी गायक गुरमान मान के खिलाफ दिए गए मांग पत्र की शिकायत पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संदीप शर्मा ने कहा कि पंजाबी गायक के खिलाफ मांग पत्र उन्हें दिया गया है, पंजाबी गायक के गीत में गलत शब्दावली का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। पंजाबी गायक के खिलाफ दिए गए शिकायत पर पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इस कोई वो कह रहे हैं जी सिंगर ने गुरनाम मान, उन्होंने कोई अपने गाने दे विच कोई शब्दावली ऑब्जेक्शनेबल वरती है जिदे विच करके इन्होंने दिती है, यदि जांच कराने की तो जो बनती है कार्रवाई करा नहीं, जो साढ़े को कंप्लेट आई है असं तो उसके कार्रवाई करा। शहीदी दिहाड़ा मना रहा है, गुरु साहब के जिहड़े साहबजादे अज के दिन शहीद होए सी और पूरे देश दे विच वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। पहला तो मैं शहीदां दे चरणां च प्रणाम करना चाहूँगा और कोटि कोटि नमन करांगा। अज असी सारे इत्थे इकट्ठे होए हाँ, गुरनाम मान सिंगर है जिन्हें शनिदेव महाराज के पिछे खिलाफ एक गाने दे विच मंदी भद्दी शब्दावली जिहड़ी इस्तेमाल कीती है और उहदा असी विरोध करन लई आज मांग पत्र देन साडे मानयोग कमिश्नर साहब दे आए हां। पंजाब में जैसे ही सर्दी बढ़ी है उसके साथ ही कोरोना के केस भी सामने आने शुरू हो गए हैं। अगर जालंधर की ही बात करें तो जालंधर में पिछले कुछ दिनों में 4 के करीब केस आ चुके हैं, जिनको लेकर जालंधर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ हिदायतें जारी कर दी गई हैं। वहीं महिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि एक वर्ष में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 नए केस अब दोबारा आए हैं। तो वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए जालंधर के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि सबसे पहले अगर किसी को खांसी, जुकाम, सर्दी और बुखार होता है तो इसको लेकर पैनिक ना हो, इसका टेस्ट करवाकर इसकी जांच करवाएं और अपने स्तर पर दवा ना खाएं, बल्कि डॉक्टर को आकर चेक करवाएं और उसके बाद कोई दवा खाएं। उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन इतने केस नहीं आए हैं इसलिए लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोग मास्क पहने और अगर कुछ भी ऐसा सामने आता है तो अपनी जाँच जरूर करवाएं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैं ये बारे जनरल यही कहूँगी कि जेडे केसिस सर्दी का मौसम जिवें स्टार्ट हो रहा है
ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੁਖਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਸੋਰ ਥਰੋਟ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਸਿਵਲ 'ਚ ਬੈੱਡ ਦੀ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੈੱਡ, ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਈਅਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਡਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਪਹਿਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ SMOs ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ SMO ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿ ਡਰਨ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਆ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਮੇ ਚਾਰੋ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਦੋਂ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਨਿਕਾਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਔਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੋ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇ ਨਿਕਾਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੈਰੋਵਾਲ ਰੋਡ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨੋਂ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੁਆ ਵੈਰੋਵਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸੂਏ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇ ਆਕਰ ਸੰਪੰਨ ਹੁਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮੇ ਗਤਕਾ ਪਾਰਟੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਕੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਈ, ਜਬਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਾਹੌਲ ਕੋ ਭਕਤੀਮੇ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਆ, ਤੋ ਵਹੀਂ ਲੋਗੋ ਕੋ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੇ ਅਵਗਤ ਕਰਵਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸ਼ਹੀਦੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਤਸਵੀਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕਰ ਔਰ ਪੁਸ਼ਪ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਵੈਰੋਵਾਲ ਰੋਡ ਸੂਏ ਉੱਪਰ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਐਰਕੀ 7ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ ਮੇ ਦੁੱਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਾਈਂ ਸੰਧਿਆ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਈਂ ਸੰਧਿਆ ਮੇ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਇਨਾਇਤ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਭਜਨੋ ਕੋ ਗਾਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਸਾਈਂ ਭਕਤੋ ਕੋ ਝੂਮਨੇ ਪਰ ਵਿਵਸ਼ ਕੀਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸਾਂਸਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਰਾਜੂ ਮਦਾਨ, ਰਾਜੂ ਡਾਬਰ, ਰਾਧਿਕਾ ਡਾਬਰ, ਸ਼ਿਵਮ ਡਾਬਰ, ਅਮਿਤ ਸਹਿਗਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਹਿਗਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਜੋਨੀ ਮੁਕੁਲ ਗਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਕਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਰਾਣੀ ਦੁੱਗਲ, ਰਾਜੀਵ ਦੁੱਗਲ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੁੱਗਲ, ਸੁਮਿਤ ਦੁੱਗਲ, ਨਿਸ਼ੂ, ਮੋਹਿਤ ਦੁੱਗਲ, ਜੋਤੀ ਦੁੱਗਲ, ਦਿਵਿਆਂਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁੱਗਲ, ਖੁਆਇਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੁੱਗਲ, ਰਾਜਵੀਰ ਦੁੱਗਲ, ਅਮਿਤ ਸੂਦ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਦ, ਬ੍ਰਿਜਬਾਲਾ, ਦੀਪਕ ਸੂਦ, ਰਚਨੀ ਸੂਦ ਸਹਿਤ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਸਾਈਂ ਭਕਤਜਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁੱਗਲ ਕਾ ਕੇਕ ਕਾਟ ਕਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਈਂ ਭਕਤੋ ਕੇ ਲੀਏ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਵੀਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਈਂ ਕੋਲ
भारतीय मूल निवासी मुक्ति मोर्चा और वाल्मीकि समाज और अन्य जत्थेबंदियों की ओर से अमृतसर के भंडारी पुल पर फिर से भूख हड़ताल शुरू की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा उनके साथ दो बार वायदा किया गया था, पर प्रशासन ने अपने वायदे पूरे नहीं किए, जिसके चलते मजबूरन उन्हें फिर से भंडारी पुल पर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अधिकारी और पुलिस प्रशासन अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, जिन्होंने इस बार फिर से उनके पास से 3 दिन का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर 29 दिसंबर तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे मजबूर होकर प्रशासन के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम पल्लव श्रेष्ठ है, डिस्ट्रिक्ट जिला सामाजिक न्याय अधिकारिता अफसर हाँ। मैं जिला प्रशासन वालों जी प्रधान जी वालों जी कंप्लेंट जी दायर की गई सी वही असं आए थे। असं इन्हों आश्वासन देने है कि असं शुक्रवार तक जोड़ा भी इन्होंने वालों जी कंप्लेंट हैगी और जो दो मसले है उन्होंने हल करके तो निपटारा करा तो जरा ता जो कि जोड़ा भी समाज के ना जो वटकरा किया जा रहा जो भी इन्होंने कोई धोखेधड़ी जो इल्जाम लाए गए हैं वह जो इन्होंने इंसाफ मिल सके। कुटिया बाबा सिद्ध जी बेरी वाले दरबार न्यू बलदेव नगर में 32वां वार्षिक स्थापना दिवस समारोह ब्रह्मलीन गुरु बाबा संता सिंह जी के आशीर्वाद से बाबा सिद्ध वेलफेयर सोसाइटी व संगत के सहयोग से मुख्य सेवादार बीरा भगत एवं बाबा अवतार सिंह जी की अध्यक्षता में बड़ी ही धूमधाम एवं श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे झंडे की रस्म के साथ हुई, जिसके उपरांत सुबह 10 बजे श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ आरंभ हुआ, जिसमें भाई सुखबीर सिंह जालंधर वालों द्वारा गुरबानी कीर्तन किया गया, जिसके उपरांत गुरु का अटूट लंगर भी लगाया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी के शहीदी दिवस के अवसर पर वीर बाल दिवस गुरुद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौंक हड्डा हुशियारपुर जालंधर में भाजपा मंडल 4 जालंधर की ओर से मनाया गया। इस मौके पर दूध का लंगर वितरित किया गया। इस अवसर पर पूर्व CPS KD भंडारी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर इस लंगर का शुभारंभ किया। इस मौके पर आशीष सैगल, दिनेश अनुपम शर्मा, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन परमजीत सिंह हीरा भाटिया, प्रधान अमृतपाल सिंह भाटिया, जनरल सचिव मक्खन सिंह सहित असंख्य संगत मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश की रिपोर्ट। सफल जीवन
अज जो 26 दिसंबर का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संबंध में वीर बाल दिवस पूरे हिंदुस्तान दे मनाया जा रहा है। उस संबंध में अज दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौंक अड्डा हुशियारपुर वालों विखे जलंधर बीजेपी मंडल चार दे जिन्ने भी कार्यकर्ता है उन्होंने विच श्री कृष्ण देव जी भंडारी जी और कुंगरू जी शारदा जी और बहुत सारे उन्होंने साथी इस संबंध में अज गुरद्वारा साहब विखे कीर्तन होए कथा होए दुध के लंगर वरताए गए। इस संबंध में परमजीत सिंह हीरा भाटिया जो साडे गुरद्वारा साहब के चेयरमैन हैं उन्होंने भी हाजिरी लवाई और असी सारिया दे ही इस संबंध में प्रबंधक कमेटी वालों सब नूं धन्नवाद करते हैं अते जीआं कहिंदे आ। इस तरह ये भंडारी साहब ने दस्या भी ये जो प्रोग्राम है ये हर साल 26 तरीक नूं गुरद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा विखे मनाया जाएगा। असी दुआरा तो ये सारे ही बीजेपी कार्यकर्ता का कमेटी वालों धन्नवाद करते हैं। ब्रह्मलीन 108 स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की 13वीं बरसी समागम नज़दीक स्वामी कृष्णानंद धाम रामनगर जालंधर में मनाया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध कलाकारों ने इस समागम में भाग लेकर अपनी हाजिरी लगाई। इस अवसर पर पूर्व CPS के डी भंडारी ने विशेष रूप से शिरकत की। इस मौके पर शिवराज बद्दन देवराज दविंदर कॉमरेड विद्यासागर बलविंदर कुमार सुखदेव जस्सी किंग जस्सा राम राजवीर इंद्र सोनू तिलकराज अमन जस्सी रविदारा बलजीत कुमार राजसी इंद्र कुमार राजकुमार मंजीत कुमार सहित असंख्य संगत मौजूद रही। इस दौरान विशाल भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश की रिपोर्ट। के करिए ना को तू मेरे ते तारा जी एहसान दातिया तेरा नाम लेंदी थकी ना जवान दातिया तेरा नाम लेंदी थकी ना जवान दातिया तेरा नाम लेंदी थकी ना जवान दातिया करिए ना
लेफ्टिनेंट कर्नल करणबीर सिंह का गत दिवस निधन हो गया, जिनका राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पिता कर्नल करणबीर सिंह को मुखाग्नि उनकी बड़ी बेटी ने दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार लेफ्टिनेंट कर्नल करणबीर सिंह पिछले 8 वर्ष से कोमा में थे। आतंकियों से लड़ते हुए उन्हें गोली लग गई थी। गोली लगने के बाद भी वे दुश्मन से लड़ते रहे, जिसके बाद वे कोमा में थे और गत दिवस उनका निधन हो गया। इस मौके पर परिवार के अलावा सेना के अधिकारियों और बड़ी संख्या में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नेताओं ने दिवंगत लेफ्टिनेंट कर्नल करणबीर सिंह को श्रद्धांजलि दी। And ultimately, it was God's will which has taken place, which has happened. He commanded pichle 8 saal, ek mahina te ek din reha coma. 22 November 2015 nu ohda hoya si, paune 4 sawa 4 baje ohnu lagi si goli, te odon to leke hun tak oh coma ch. Ohda status jis din ohnu goli lagi aa. मैं ओदा मैनू नैचुरली ओदा मोबाइल दिता मुंडिया ने, ये साहब का मोबाइल आ, ओदा मैं खोल के वेख्या वट्सएप दे विच स्टेटस सी ओदा, आई डू नॉट नो हाउ माई स्टोरी विल एंड बट नो वन विल से आई गेव अप। जनरल ढिल्लों असी कल जगतार वीर कोर्समेट्स इको कोर्स से असी 70 कमीशन होए सी। इस बच्चे नू असी छोटे हुंदे तों देखिया, तुहानू पता कि साडे सामने आ मैरिजेस होया हुईआं, पर यह पहले शॉर्ट सर्विस गया, 14 साल इन्हें सर्विस की, फिर बाहर आ गया, मंच गए, इन्हें MBA की, LLB की, बट वो जरा अंदर वाला जनून वो नहीं हट सकया। फिर कहते मैं अफसर बनना, TA बटालियन से 40-45 साल तक अफसर बन सकते बाहर आए, तो उत्थे फिर एक्टिव, अजकल TA बटालियन बहुत एक्टिव है। और बाकी अभी पढ़िया अखबार से कितना यदा कल देखा भी स्टेटस चेंज भी जिदा पुराना ना दिल मांगे मोर उस तरह सेंटेंस, मैं पता नहीं मेरा एंड की होएगा, बट नोबडी शुड थिंक आई गेव अप, इदा की स्पिरिट, इदा का ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਕੋਮਾ 'ਚ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ। ਵਿਲ ਮਿਸ ਯੂ, ਬੀ ਇਨ ਪੀਸ ਵਿਦ ਬਾਬਾ ਜੀ।
ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 8 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਹੋਪ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹਿਮ। ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ। तरनतारन के कस्बा फतेहाबाद की सब्जी मंडी में किसान पर अज्ञात लोगों ने चलाई गोलियां, आरोपी सीसीटीवी में हुआ कैद। अमृतसर के अधीन आते इलाके भूतनपुरा में कुछ अज्ञात नौजवानों ने किए हवाई फायर, इलाके में दहशत का माहौल। अमृतसर के थाना सदर के अधीन आती विजयनगर चौकी की पुलिस ने दो नौजवानों को किया काबू, 20 चाइना डोर के गट्टू और मोटरसाइकिल किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।